LTP यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये LTP का मतलब क्या होता है? एंड आपके पास है चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए लास्ट बाय एंड सेल प्राइस, ऑप्शन बी लास्ट बाय प्राइस, ऑप्शन सी लास्ट सेल प्राइस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ देम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड कमेंट बिलो एंड लेट मी नो कि आपका सही जवाब क्या है। एंड अगर आपका भी जवाब मेजॉरिटी की तरह ऑप्शन सी है, देन लेट मी टेल यू, आपका जवाब बिल्कुल ही गलत। Confused? Let's go and check कि सही जवाब क्या है। Hello and namaste everyone, welcome back। तो आइए समझते हैं LTP का मतलब क्या होता है। Google says LTP is the price at which the latest or the most recent trade occurred, which means LTP का मतलब जो भी last या recent trade हुआ है उसे कहते हैं। Still confused? Let's make it simple. इसे एक example के साथ समझते हैं। Let's say there's a fruit वाला called Jayesh Bhai fruit वाला। उन्होंने customer A को 9:15 AM पे 100 रुपीज पर केजी एप्पल सेल किया। कस्टमर बी को उन्होंने 10 AM पे 90 रुपीज पर केजी एप्पल सेल किया। कस्टमर सी को उन्होंने 11 AM पे 120 रुपीज पर केजी पे एप्पल सेल किया। तो मुझे बताइए 11:30 AM को एप्पल का लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या होगा? चेक चेक, परफेक्ट, इट्स गोना बी 120 रुपीज, बिकॉज 120 रुपीज पे कस्टमर सी ने जयेश भाई से एप्पल बाई किया एंड 120 रुपीज पे जयेश भाई ने कस्टमर सी को एप्पल सेल किया। तो जब बाई और सेल दोनों होता है तब जाकर ट्रेड बनता है, जैसे इस एग्जाम्पल पे ट्रेड बना विच इज एट 120 रुपीज। तो बस इसी को कहते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स से कस्टमर डी को जयेश भाई ने 12 PM पे 130 रुपीज पे एप्पल सेल किया एंड देन कस्टमर ई को जयेश भाई ने 1 PM पे लेट्स से 110 रुपीज को एप्पल सेल किया। तो अगर आप 130 को ये जानना चाहते हो कि एप्पल का लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या होगा, perfect, you got it right, it is gonna be 110 rupees, right? Because 110 pe customer E ne Jayesh bhai se buy kiya and Jayesh bhai ne 110 pe customer E ko apple sell kiya. To trade kitne pe bana? 110, and that is what will become the last traded price for apple. Bas kuch isi tarike se stock market mein ye last traded price applicable hota hai. So perfect everyone, let's understand कि जो LTP है ये real life market में कैसे दिखता है। And to know that, सबसे पहले हम हमारे Trade Tiger के terminal पे login करेंगे and जैसे ही हम login करेंगे we'll go to market watch। ये blank market watch के अंदर हमारे पास दो option है, local market watch and global market watch। For now हम local market watch लेते हैं। यहाँ पर let's click on add script, equities, NSE and let's take चलो ICICI बैंक लेते हैं, select add। now can you guys see this ICICI बैंक here? okay, आपको यहां पर दिख रहा होगा एक्सचेंज, स्क्रिप्ट नेम, परसेंटेज चेंज, डिफरेंस एंड can you guys see this current price here? so this current price is nothing but the last traded price। किसी ट्रेडिंग टर्मिनल पे उसमें करंट लिखा जाता है, कोई लास्ट ट्रेडेड प्राइस लिखता है, कोई LTP लिखता है, बट ऑल ऑफ इट मींस वन एंड द सेम। सो कैन यू गाइस सी दिस फॉर ICICI बैंक, बहुत गौर के इस LTP के वैल्यू पे ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, 895.85, सो दिस इज 90। तो ये वैल्यूज आपको दिख रही है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है।
85, 90, 95. सो ये जो वैल्यूज चेंज हो रही है इज अ साइन कि लास्ट ट्रेड ICICI बैंक का 895.90 पे हुआ है, 85 पे हुआ है, 80 पे हुआ है, 90 पे हुआ है. सो एवरी टाइम द वैल्यू इज चेंजिंग इट इज गिविंग यू अ साइन एंड इट इज टेलिंग यू द लास्ट ट्रेड हैपेंड एट दिस प्राइस. दैट्स इट, है ना आसान. चलो जाते हैं और कुछ और स्टॉक्स पे जाके देखते हैं कि उन स्टॉक्स का लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या हो रहा है. बिकॉज एज अ ट्रेडर हम कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लें, हमारा सबसे पहला सवाल ये होता है कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या चल रहा है, अभी प्राइस क्या चल रहा है उसका, एंड अकॉर्डिंगली हम हमारे सारे ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं. सो लेट्स गो एंड चेक रिलायंस का प्राइस क्या चल रहा है. सो REL, रिलायंस, सिलेक्ट एंड एड. नाउ कैन यू गाइस सी दिस हियर, रिलायंस का करंट प्राइस चल रहा है 2452.60.40.45, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, राइट, बिकॉज मिलियंस ऑफ ट्रेड्स आर हैपनिंग एट द बैक एंड एंड जिससे एवरी सेकेंड द प्राइस कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट. बट दिस शोज की लास्ट ट्रेड रिलायंस का फॉर नाउ 2452.60 पे हुआ है, राइट. कमोडिटीज की प्राइस चेक करते हैं, कौन सा कमोडिटी ले, लेट्स टेक गोल्ड, इंडियाज फेवरेट, या गोल्ड, परफेक्ट. नाउ कैन यू सी दिस हियर, गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है, 50,428. सो गोल्ड का करंट मार्केट प्राइस हो गया 50,428 रुपीज. नाउ दिस इज वॉट इज द करंट मार्केट प्राइस एंड इवन फॉर गोल्ड जैसे एवरी फ्यू सेकेंड्स यू विल सी दैट द प्राइस कीप ऑन चेंजिंग एंड परफेक्ट. लेट्स गो एंड एड क्रूड ऑयल हियर. परफेक्ट. नाउ जैसे कि हम यहां पे क्रूड ऑयल भी देख रहे हैं, सो दिस इज 6988 हियर. सो क्रूड ऑयल का करंट प्राइस इज 6988. सो ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करें, चाहे हम कोई भी स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहे हो. सो आई होप द लास्ट ट्रेडेड प्राइस का कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर. अब आपके दिल में ये सवाल आ रहा होगा कि मैम ये जो LTP पे कॉन्स्टेंटली जो कलर चेंज हो रहा है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज क्यों हो रहा है. बहुत सिंपल लॉजिक है, ध्यान से देखना. लेट्स से अगर कोई भी स्टॉक का लेट्स से करंट मार्केट प्राइस और लेट्स से द लास्ट ट्रेडेड प्राइस इज लेट्स से 500 रुपीज, ठीक है. अब ये 500 से लेट्स से 500.05 हुआ तो ऊपर गया तो वो ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करेगा LTP पे. अब ये 500.05 से 510 गया फिर ऊपर गया तो वो ग्रीन वापस ग्रीन वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा. अब 500.10 से लेट्स से वो वापस 500 आया, मतलब वो नीचे आया प्रीवियस ट्रेडेड प्राइस से तो रेड फ्लिकर करेगा. अगेन 500 से लेट्स से 499.95 हुआ तो फिर नीचे आया फिर रेड फ्लिकर करेगा. 499.95 से फिर 500. सो इस तरीके से वो LTP का कलर ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड चेंज होता है. उम्मीद है अब आपको LTP क्या होता है इसका मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो. तो आइए एक बार दोबारा देखते हैं हम हमारे सवाल को, व्हाट इज LTP एंड इसका सही जवाब है ऑप्शन ए व्हिच इज लास्ट बाय एंड सेल. आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आई हो कि LTP का इम्पोर्टेंस क्या है, LTP का मीनिंग क्या है. सो थैंक यू एवरीवन. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप अभी सब्सक्राइब करें एंड क्लिक ऑन द बेल बटन ताकि अगली बार जब हम लाइव आए एंड अगली बार जब हम कभी भी कोई भी नया वीडियो अपलोड करें यू आर द फर्स्ट वन टू रिसीव इट. सो थैंक यू एवरीवन. दिस इज सस्मिता पटेल साइनिंग ऑफ. अंटिल वी मीट अगेन.